पाकिस्तान में शिया मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के शिया मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी है। जम्मू और कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान में शिया समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। इमरान रजा अंसारी ने इस विषय में विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी पत्र लिखा है। पूर्व मंत्री और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के महासचिव इमरान रजा अंसारी जम्मू कश्मीर में शिया समुदाय के एक बड़े वर्ग के धर्मगुरु हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में शिया समुदाय के नरसंहार हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। बुधवार सुबह 1600 से अधिक तीर्थ यात्रियों का नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ और बलटाल व पहलगाम आधार शिविर पहुंच गया। ये 34वां जत्था था। अब तक 4,70,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू संभाग में सेना के जवानों ने मंगलवार शाम पुंछ जिले में एलओसी के पास आतंकियों के एक सहयोगी को पिस्टल, दो मैगजीन व पाकिस्तानी दो सिम के साथ पकड़ लिया। आतंकियों का सहयोगी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए पिछले काफी लंबे समय से काम कर रहा था और ये कश्मीर से हथियार लेने आया था। सेना के जवानों ने लोवर कृष्णा घाटी सेक्टर में नाका लगाया था। इस दौरान वो वहां से गुजरा। सेना ने उसकी संदिग्ध हरकत देकर उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली। उसके कब्जे से ये हथियार बरामद हुए। उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को मेप्पाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों से भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी। इस नेचुरल डिजास्टर के कारण अब तक 158 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 128 घायल हैं। वहीं सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व अन्य बचाव दल बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर जुटे हैं। अब तक 144 शव निकाले जा चुके हैं, वहीं 191 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। जिन लोगों को बचाया गया उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक और ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हमें लगता था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सही सबक लेगी, लेकिन नहीं। बीजेपी समुदायों में विभाजित करने और भय और शत्रुता फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की संभावनाओं के मद्देनजर पार्टी नेताओं में जोश भरने का प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीने में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, हमें लोकसभा चुनाव में बनी स्थिति को बरकरार रखना चाहिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट अस्पतालों को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, वैसे ही कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में होंगे। इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफिकेशन, फीस रेगुलेशन और मिसलीडिंग एड्स को रोका जाएगा। कोचिंग सेंटर का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा।